अब जो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूं, जिससे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जिससे क्वेश्चंस आते हैं, सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। सबसे पहले द एक्वायरर शेल सबमिट अ डीएलओ, मतलब ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर टू सेबी विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट अलॉन्ग विद अ नॉन रिफंडेबल फी। ये क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पास्ट में इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन पेबल अंडर द ओपन ऑफर कितना, फीस कितनी और क्या लिमिट्स हैं। तो अप टू 10 crore रुपीस आपको 5 lakh रुपीस देना होगा, मोर देन 10 बट लेस देन और इक्वल टू 1000 crore रुपीस 0.5% ऑफ द ऑफर साइज, जितना भी ऑफर साइज है उसका 0.5% निकाल लो। मोर देन 1000 crore रुपीस 5 crore रुपीस प्लस 0.125% ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑफर साइज इन एक्सेस ऑफ 1000 crore। सब लोग सोच रहे होंगे ये लोग लाखों में बात क्यों नहीं करते हैं, ये लोग सीधे करोड़ों, हजार करोड़ ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं, सीधे सीधे हजार लाख 10,000 10 lakh ऐसी भी तो बात कर सकते हैं, पर नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े खेल हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, याद कर लोगे तो अपने लिए अच्छा करोगे, नहीं करोगे तो फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट, डिस्पैच ऑफ ऑफर ऑफ लेटर, ये इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां पे कुछ लिमिट्स हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। बता देती हूँ क्या, द एक्वायरर शैल इंश्योर दैट द एलओओ इज डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स हुज नेम अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी के लिस्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिन शेयर होल्डर्स का नाम है उन्हें एलओओ चला जाना चाहिए, और कितने दिनों के अंदर, नॉट लेटर देन 7 working days। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी भेज सकते हो, ये नहीं कह रहा कोई सातवें दिन भेजने, सातवें दिन से लेटर नहीं, नॉट लेटर देन 7 working days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कमेंट फ्रॉम सेबी। सेबी से अगर कोई कमेंट्स आते हैं, कोई चेंजेस अगर सजेस्ट करती है सेबी, तो हमें वो करना पड़ेगा। जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो सेबी के द्वारा दिए गए कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उसके बाद क्या, और अगर कोई कमेंट्स नहीं किया जाता है तो विद इन 7 working days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 15 working days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर बाय सेबी। तो जो भी हमें रिसीव हुआ है कमेंट उस दिन के बाद से 7 दिनों के अंतराल के अंदर हमें शेयर होल्डर को वो क्या कर देना है, डिस्पैच कर ही देना है, रुकना नहीं है उससे सदा, ठीक है। अब नीचे आप इसमें भेज सकते हो फिजिकल फॉर्मेट में, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप ये कर ही सकते हो, इसको पढ़ सकते हो खुद से। अब प्रोविजन ऑफ एस्क्रो, क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में, पेपर में पास्ट में इस ये सीधे सीधे आ गया था, गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोविजन ऑफ एस्क्रो अकाउंट टू बी मेंटेन अंडर सैस रेगुलेशन। ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, इसको याद से याद कर लेना है, मतलब दिमाग में छाप लो इसको। Not later than, एक मिनट साफ सुथरा कर देते हैं, not later than 2 working days prior to the date of the public detailed public statement of the open offer for acquiring shares, होने के पहले की बात हो रही है, detailed public statement देने के पहले, not later than 2 working days prior to the date of detailed public statement, आपको क्या करना है, escrow account, escrow account का मतलब क्या होता है, what is an escrow account, क्या होता है एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। एस्क्रो अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया अकाउंट होता है, और जहां पे उस रिलेशन में ही पैसे का आवागमन या इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, उसके अलावा दूसरे किसी पर्पस से ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। जैसे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एस्क्रो अकाउंट बनता है, इनकॉर्पोरेशन के बाद शेयर कैपिटल का पैसा आने के लिए एस्क्रो अकाउंट में पैसा आता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया अकाउंट होता है। साथ साथ अगर लिख रहे हो तो अच्छे बच्चे, और नहीं लिख रहे हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। द एक्वायरर शैल क्रिएट एन एस्क्रो अकाउंट टू वर्ड सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन अंडर दीज रेगुलेशन एंड डिपॉजिट इन एस्क्रो अकाउंट सच एग्रीगेट अमाउंट एज पर द फॉलोइंग स्केल। गिवन स्केल के अंतर्गत के अनुसार आप क्या करोगे, वहां पे पैसा सबमिट कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे। तो क्या, ऑन द फर्स्ट 500 crore रुपीस,
कितना कंसिडरेशन पेएबल है आपको इस ऑफर साइज के, ओपन ऑफर के साइज के हिसाब से, फॉर द फर्स्ट 500 करोड़ रुपीस एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द कंसिडरेशन, 25% ऐसे लिख लो, ठीक है। दूसरा, ऑन द बैलेंस कंसिडरेशन एडिशनल 10% ऑफ द बैलेंस कंसिडरेशन, मतलब शुरुआत के फर्स्ट 500 करोड़ में तो आपको क्या करना है, 25% करना है, और उसके ऊपर क्या करना है, 10% का एडिशनल आपको बैलेंस कंसिडरेशन पे 10% का अमाउंट और डिपॉजिट करना है। समझ में आया? फर्स्ट 500 करोड़ पे कितना, 25, बैलेंस जो भी उसके ऊपर जो भी जा रहा है 500 करोड़ के ऊपर, बैलेंस पे 10%। याद हो गया? अब इससे याद और क्या रटोगे, लिख के अच्छी तरह कहीं लिख लोगे, अच्छे बच्चों की तरह तो बहुत अच्छे बच्चे कहलाओगे, और क्या। रुक जाओ, अच्छा अब आप बोलोगे, ये क्वेश्चन आएगा कि भाई जो अमाउंट हमने एस्क्रो अकाउंट में डालना है वो किस किस तरीके से डालना है। तो ये है, ये निवेदिता के इमोजीज ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को, हमेशा एक नए नए इमोजी के साथ आती है। चलो, द एस्क्रो अकाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ, कैसे कैसे आएगा भाई। तो सबसे पहला, कैश डिपॉजिटेड विद एनी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, किसी भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ डिपॉजिटेड कोई भी कैश। दूसरा, बैंक गारंटी इश्यूड इन फेवर ऑफ द मैनेजर, ये कौन मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर, क्या ये जो मैनेजर है ये कंपनी का मैनेजर है क्या, जिसको मैनेजमेंट का काम करने के लिए अपन लोगों ने रख लिया है, बताओ जरा, क्या ये वही मैनेजर है जिसको हमने कंपनी के डेली काम करने के लिए रखा है, ये वही मैनेजर है ना, यस और नो, कौन सा मैनेजर है ये, वेटिंग फॉर दी आंसर्स, नो मैम। तो ये कौन सा वाला मैनेजर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इंटरमीडियरी होता है ये एक मैनेजर टू एन इश्यू, ये ओपन ऑफर के लिए ये मैनेजर जो स्पेसिफिकली एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, प्रोफेशनल होता है, वो वाला मैनेजर, मैनेजर वो मत समझ लेना जो कि MBA किया हुआ आया एक पर्सन होता है, एग्जैक्टली बबीता, इंटरमीडियरी, ये एक इंटरमीडियरी होता है जो मैनेजर टू एन ऑफर, मैनेजर टू एन इश्यू की तरह आता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। वेरी गुड, मतलब सबका ध्यान है, मुझे अच्छा लगा ये देख के। तो भाई, बैंक गारंटी इश्यूड इन फेवर ऑफ द मैनेजर टू द ओपन ऑफर बाय एनी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स, एकदम भूल गई हूं मैं, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स क्या होते हैं, व्हाट आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, एकदम भूल गई मैं, मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, गजनी हो गई हूं मैं, कौन होते हैं, क्या होते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, बताओ तो जरा, मुझे याद नहीं आ रहा है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स क्या होते हैं, तुम लोगों को पता है तो बताओ मुझे, उस तो भी परसेंटेज होता है और कुछ महीनों का होता है, कुछ पता नहीं कैलकुलेशन, याद नहीं है मुझे, किसको पता है बताओ जल्दी जल्दी, रुकी हूं मैं आराम से, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग लिखो, मुझे पता है आंसर्स लिखे जा रहे हैं, आई एम वेटिंग। 10% बबीता देवी कह रही है, 10%, परफेक्ट, और कितने महीनों में, पास्ट कितने मंथ्स, प्रीसीडिंग कितने मंथ्स, 12 months, वेरी गुड। क्या वो फाइनेंशियल ईयर एंड वाले होता है कि 12 कैलेंडर मंथ में ट्रेड हुआ हो, 10%, परफेक्ट, 12 पिछले 12 कैलेंडर मंथ्स में, वेरी गुड, कैलेंडर ईयर मानते हैं, और कैलेंडर जो भी पिछला 12 महीने का टाइम पीरियड होता है, जो मंथ वाइज कैलेंडर के हिसाब से होता है, उसमें हम क्या करते हैं, 10% से अगर ज्यादा आपका ट्रेडिंग है तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। इतने अच्छे बच्चे हैं ये लोग, ट्रॉफी मेरे तरफ से, पेंसिल है पर ट्रॉफी मान लो, वही सबसे बड़ी ट्रॉफी है हमारी, पेन पेंसिल। चलो, डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स और अदर फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज विद अप्रोप्रिएट मार्जिन। अब यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज इसीलिए कही गई है क्योंकि फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जो लिक्विड हैं, जिनको ट्रेड करते ही साथ हमें पैसा मिल सकता है, ठीक है।
ठीक है, इसीलिए वहां पर फ्रीली ट्रांसफरेबल इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो लिक्विडिटी को बता रही है। लिखना है तो अपनी कॉपीज में इस पॉइंट को नोट कर। फॉर फ्री सी एस एग्जीक्यूटिव लेक्चर्स सब्सक्राइब लेक्चर कार्ड।